इन द नेम ऑफ अल्लाह इज़ द मोस्ट बेनिफिशेंट द मोस्ट मर्सीफुल एंड द सोर्स ऑफ ऑल द नॉलेज। बेटा जी हमारा टॉपिक चल रहा था कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन सिस्टम देखा वो क्या होता है। नेक्स्ट हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखा कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम के हमने थ्री टाइप्स देखी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, मैसेज, देन हम लोगों ने देखा था सेंडर, फिर रिसीवर, ठीक है बेटा। तो मैसेज हमने देखा कि हमारे पास मैसेज टेक्स्ट हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं, ऑडियो हो सकता है, ठीक है, सिंबल्स हो सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो सकते हैं। सेंडर हमने देखा जी, हमारे पास सेंडर में हमने देखा जी सेंडर के पास जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिसीवर की। अगर सेंडर ने सेंड करना है डाटा तो रिसीवर के पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है बेटा। तो सेंडर में हमने देखा जी सेंडर जो सेंड करता है डाटा, उसके बाद हमने रिसीवर देखा। रिसीवर वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम को देखते हुए डाटा रिसीव करता है, वो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है। अब हम नेक्स्ट इसका देखेंगे, हमारे पास थर्ड वन है सेंडर रिसीवर के बाद हमने प्रोटोकॉल देखना है और डाटा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मीडियम देखना है कि हमारा जो डाटा सेंड हो रहा है और जो रिसीवर के पास रिसीव हो रहा है वो कैसे जाएगा। फोर्थ वन हमारे पास है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम मीन्स टू से कि हमने कौन सा मीडियम यूज करते हुए ट्रांसमिशन की है। आया हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स हैं या हमारे पास डिजिटल सिग्नल्स हैं, या हम इसमें वायर्स यूज कर रहे हैं या वायरलेस सिस्टम यूज कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम यूज करते हुए हम ट्रांसमिशन मीडियम कर रहे हैं, ये मैं आपको इसकी डिटेल आपको भी इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट वन इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में बेसिकली बेटा हम लोग देखेंगे प्रोटोकॉल हमारा सिस्टम कैसे जा रहा है। प्रोटोकॉल्स मीन्स टू से कि हमारी जो ट्रांसमिशन मीडियम हो रही है, ये हमारे पास जो वायर्स यूज़ हो रही हैं उसमें हमारे पास ये सिस्टम कैसे एक जगह से दूसरी जगह किस वे में ट्रांसफ़र हो रहा है, किस मेथड से ट्रांसफ़र हो रहा है। ट्रांसमिशन मीडियम में तो हमने देख लिया जी ट्रांसमिशन मीडियम के लिए हमने कौन सी चीज़ें यूज़ किया है, वायरलेस सिग्नल्स यूज़ किए हैं या वायर सिस्टम यूज़ किया हुआ है। अब प्रोटोकॉल में देखेंगे हमारा प्रोटोकॉल सिस्टम किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, किस चीज़ को फॉलो करते हुए हमारे पास नेक्स्ट जा रहा है। इसकी आप प्रोटोकॉल की नेक्स्ट टाइप्स भी आप देखेंगे, उसमें ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होगा और इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल में आपके पास फर्दर टाइप्स आएंगी नेक्स्ट क्लासेस में, जो आप नेक्स्ट क्लासेस में जाकर डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास जस्ट सिंपल सी कुछ रूल्स हैं प्रोटोकॉल्स के, वो आप नेक्स्ट क्लासेस में जाकर डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे जस्ट प्रोटोकॉल की डेफिनेशन रीड करनी है, प्रोटोकॉल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन छोटी सी देखनी है। आज हम देखते हैं जी ट्रांसमिशन मीडियम को, ठीक है, ब्रीफली, ताकि हमारे पास जो सिस्टम्स है वो उसमें क्लियर हो जाए, ठीक है। आज हम देखेंगे ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है। ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम में बेटा एक चीज हम लोग देखेंगे, इसमें ट्रांसमिशन चैनल भी देखेंगे कि किस प्रोसीजर को उसने फॉलो करने के बाद वो कहाँ पे लेके गया है और इसको कहाँ पे उसने नोट डाउन करवाया है, ठीक है। बेसिकली ट्रांसमिशन मीडियम ये क्या है, एक पाथ है, ठीक है। अब पाथ एक ऐसा पाथ है जिसमें हमारा डाटा सेंडर से रिसीवर के पास जाता है, ठीक है। अब हम इसे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन कर लेते हैं, द पाथ विच is used to send or and receive data, ठीक है। ये वो पाथ है जिसकी मदद से हम डाटा सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। इस पाथ को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं, ठीक है।
तो बेटा इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की के सिस्टम्स हो सकता है। इसमें जो हम वायर्ड सिस्टम यूज़ करेंगे, पाथ बेसिकली हम वायर सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं और वायरलेस सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम इसमें पाथ यूज़ करेंगे वायर सिस्टम्स में, हमारे पास बेसिकली क्या आएगा, कॉपर वायर्स आएंगी, ठीक है, टेलीफोन वायर्स आएंगी, सिंपल वायर्स आ जाएंगी, कॉपर वायर्स आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है, कॉपर वायर्स हमारे पास आ जाएंगी, सिंपल वायर्स आ जाएंगी, या वायर्स वायरलेस सिस्टम में हमारे पास एनालॉग सॉरी डिजिटल सिग्नल्स आ जाएंगे। जो आपके पास समटाइम आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल पे सिग्नल्स आते हैं वो कोई वायर को फॉलो नहीं करते, उसमें जो ट्रांसमिशन मीडियम हम यूज़ करते हैं वो वायरलेस सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास नेटवर्क्स आ जाते हैं वायरलेस सिस्टम में, हमारे पास 3G, ठीक है, 4G या LTE, ठीक है। इस नेटवर्क सिस्टम्स में, इसमें हम जो वायरलेस सिस्टम को यूज़ करते हुए इन कम्युनिकेशन मीडियम ट्रांसमिशन मीडियम को यूज़ करते हुए हम अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। बेटा नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास नेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में बेसिकली हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बेसिकली बेटा आ जाता है प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल में हमारे पास बेटा क्या सिस्टम आ जाता है, प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम अपना डाटा सेंड कर सकते हैं कम्युनिकेशन चैनल को। कम्युनिकेशन चैनल हमारा नेक्स्ट फर्दर डाटा किसको देगा, सेंडर से किसके पास लेके जाएगा, रिसीवर के पास, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको मैं बुक में मार्क करवा देता हूँ, मैं आपको बता भी देता हूँ। नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स डैट इज यूज टू सेंड एंड रिसीव डाटा डैट इज यूज फॉर द कम्युनिकेशन, उसे हम क्या कहेंगे, या डैट इज यूज टू सेंड एंड रिसीव डाटा उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। अगर हम इसे आसान और सिंपल लैंग्वेज में देखना चाहें तो हमारे पास एक एग्रीमेंट होता है, एक सिस्टम होता है। देखिए जरा, अगर आपने किसी के साथ कोई कम्युनिकेशन किया, कम्युनिकेशन से मुराद आपने अपना खत भेजना है या लेटर भेजना है, अब वो आपने कम्युनिकेशन चैनल को भेज दिया, ट्रांसमिशन मीडियम को भेज दिया, मीन्स GCS वाले को भेज दिया या किसी भी कुरियर सर्विस को भेज दिया, अब वो जो प्रोटोकॉल रूल्स फॉलो करेगा, रूल्स मीन्स टू से कि वो कोई भी कन्वेंस यूज़ कर सकता है, वो बाइक यूज़ कर सकता है, साइकिल यूज़ कर सकता है, वो उसका अपना सिस्टम है, तो वो उसने कौन से प्रोटोकॉल्स या सेट ऑफ रूल्स यूज़ करने, वो उसके अकॉर्डिंग वो सिस्टम को सेंड करेगा, ठीक है। तो बेटा आपने जस्ट सिंपल से इनकी डेफिनेशंस याद करनी है, डेफिनेशंस याद करने के बाद उसकी छोटी सी नीचे टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स है वो आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। अगर आपको इसमें से किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब डेफिनेशंस आपने जस्ट इसकी, मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई है मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ। अ नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स डेट इज यूज्ड फॉर टू सेंड एंड रिसीव डाटा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स, डिफरेंट सिस्टम्स आर यूज्ड, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। बस आपने इसमें जस्ट सिंपल सी इसकी डेफिनेशन याद करनी है, और ट्रांसमिशन मीडियम की भी डेफिनेशन याद करनी है। इसमें ट्रांसमिशन चैनल्स आएगा, ट्रांसमिशन चैनल्स बेसिकली क्या होते हैं, वो चैनल्स जिनकी मदद से हम मीडियम यानी कि हमारे पास जो सिग्नल्स हैं माइक्रोवेव सिग्नल्स हैं, या जिसे हमने मैंने कहा है वायर और वायरलेस हैं, वायर्स में वायरलेस वायर्स के साथ कॉपर वायर्स वगैरह आ जाएंगी, और वायरलेस के साथ हमारे पास माइक्रोवेव सिग्नल्स आ जाएंगे, माइक्रोवेव सिग्नल्स आ जाएंगे। बेटा ये बेसिकली हमारे पास चैनल्स हैं 1 और 2, ये 2 चैनल्स हैं जिनको हमने फॉलो करके हमारी ट्रांसमिशन मीडियम करनी है। उसके बाद हमारे पास प्रोटोकॉल है जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया। बेटा अगर आपको आज के लेक्चर में किसी भी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कॉन्टैक्ट करके, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। कल हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें हम प्रोटोकॉल के आगे टाइप्स देखेंगे, उसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल देखेंगे, TCP और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए, आपके लेक्चर की अगर नहीं समझ आई तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।